आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है। जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, जो भी आप मुझसे चाहे, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं कि आपका हमारा खून का रिश्ता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के राजनीति का नया अंदाज बीजेपी की फांस बनने लगी है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं के अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है। विदेश दौरा में प्रवासी भारतीयों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना और देश लौटने पर उनके गांव पहुंचकर लोगों की सहानुभूति बटोरना, राहुल गांधी का यह नया अवतार बीजेपी को सकते में डाल दिया है। सब हरियाणा के हो? जी, मिनी हरियाणा बना दिया यहाँ पे। हरियाणा से चले तो यहाँ क्यों आए? आइडिया क्या था, मतलब सोच क्या थी यहाँ आने की? मैं भी 2 साल से ट्राई कर रहा था कि मैं भी यहाँ इंडिया से निकल जाऊँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं था। 10-15 हजार में क्या होता है, नॉर्मल आप शहर में भी गुजार नहीं कर सकते। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह सभी प्रवासी भारतीय हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। इस समय ये सभी अमेरिका में हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी अमेरिका गए थे। यह मुलाकात अमेरिका दौरे के समय का है। यहाँ आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इससे आप राहुल गांधी की दूरदर्शी राजनीति को समझ सकते हैं। सब बेरोजगार? अच्छा, यहाँ आकर आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया? ये तो सही डिसीजन है। सही डिसीजन। पिछले दशक में हालात ऐसे हो गए हैं, जो अपना अच्छे से काम कर रहा था ना, महंगाई इतनी हो गई है, अफोर्डिंग कर पा रहा और आमदनी भी कम हो गई है। माँ बाप सब घर में वही है? माँ बाप बच्चे। जब आप वहाँ से गए तो उनको तो डर लगा होगा कि क्या कर रहा है। कौन चाहेगा कि अपने बच्चों से दूर है। सिचुएशन बड़ी टफ होती है, क्योंकि मेरी माँ के लिए मैं बच्चा हूँ और मेरे लिए मेरे बच्चे। खुश तो हम अपने देश में अपने लोगों के बीच में होते हैं हमेशा। जितने बच्चों से आप बात करोगे, अभी अपार्टमेंट्स में देखोगे, आप फील करोगे कि ये रहते कैसे हैं। 15-15, 20-20 बच्चे एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में। राहुल गांधी पूछते हैं कि हरियाणा से अमेरिका क्यों आए, भारत के किसी दूसरे स्टेट में क्यों नहीं गए? आप हरियाणा से अमेरिका आ गए, हरियाणा से आप हिंदुस्तान के किसी और स्टेट में नहीं जाने को सोचा? हर स्टेट में ऐसा ही हाल है। और जब आप वहाँ से निकलते हैं, कुछ कहता है कि ऐसा सब होगा, ऐसी तकलीफ देनी पड़ेगी। आपको मालूम है कि डेंजर रिस्क तो मालूम है। ये तो करता है कि क्या पता हमें बिना मिले। कोशिश करते हैं बेहतर रोजगार, बेहतर जिंदगी के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया में। तो मेंटली आप तैयार रहते हैं कि ऐसा कुछ होगा? सबसे ज्यादा डर आपको कब लगा इस जर्नी में? कभी डिपोर्ट लग जाए। डिपोर्टेशन का सबसे ज्यादा डर वही है। सबसे ज्यादा कौन से देश के लोग आ रहे हैं? इंडिया में से तो हरियाणा के आ रहे हैं सबसे ज्यादा, हरियाणा पंजाब। हरियाणा में से इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं? अमेरिका और इंडिया में सबसे ज्यादा फर्क क्या है? राहुल गांधी के इस सवाल पर लोगों ने क्या कहा? अमेरिका और इंडिया में आपको क्या फर्क लगता है, अब आप यहाँ रहे हो? सबसे ज्यादा फर्क ये है जी, यहाँ पे दबाव नहीं है। इंडिया में बहुत दबाव है पिछले कुछ सालों से, यहाँ जातिवाद नहीं है। जैसे हम सारे इकट्ठे रह रहे हैं, अब मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है, यो कोई है, कुछ नहीं है, बिल्कुल भी। हाँ ऐसा ही है। मगर अब आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, प्लान क्या आपका? ट्रक चला के सर, मैं फिलहाल तो मेरा अपना रोजगार सेट करना था मुझे। अब कितने पैसे बन रहे हैं आपके महीने के? मैं 2-2.5 लाख आराम से कमा लेता हूँ, ज्यादा कमा लेता हूँ सर। और आप ट्रक चलाते हो? फ्यूचर में सर इंडिया में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे बाहर ना आना पड़े। आपका कोई स्किल हो, कोई हुनर हो आपका, तो इंडिया में उसकी रिस्पेक्ट होती है? यहाँ ज्यादा होती है या वहाँ ज्यादा होती है? तो यहाँ पे हर प्रोफेशन में इज्जत, हर प्रोफेशन में रिस्पेक्ट है सर। और आप अब इंडिया जा सकते हो या अभी नहीं जा सकते? कब जा पाओगे? अभी सर कोई उम्मीद नहीं है। जब ग्रीन कार्ड होगा? हाँ जी सर। वो तो 10 साल लगेंगे, कितना साल लगेगा उसमें? 10-5 साल। भारत लौटते ही राहुल गांधी हरियाणा पहुंच गए। जिन प्रवासी भारतीयों से अमेरिका में मिले थे, अब उनके परिजन से मिलने पहुंच गए। फिर क्या हुआ? तो आपको कैसा लगा कि ये अमेरिका गए? लगा तो बुरा, पर किया क्या गए? चॉइस नहीं है यार, रोजगार तो नहीं है, या कुछ काम नहीं है। मजबूरी में क्या करते सर, रात तो नींद नहीं आती थी, दोनों मतलब रोते थे, बच्चे थे, बगैर सुनेंगे रोएंगे जी, क्या फायदा है? वहाँ में तो पता भी नहीं था जी, बेटा बताया लड़का है जी वहाँ, उसको मिल लिया, वो उन्हें बहुत हेल्प करी, बहुत हेल्प। तो आपको कैसा लगा? उसको तो बस सब याद करते हैं जी, सब रिश्तेदार याद करते हैं। उसके जाने के बाद में इतनी बीमार हुई थी, मेरे 2-2 ऑपरेशन हो गए, उधर और रोता था, इधर मैं रोती थी हॉस्पिटल। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे परिवार से जाके मिलो।
तो मैंने कहा ठीक है मैं आके मिलता हूँ। सर आप तो भगवान आ गए हैं। मैंने उन्होंने कहा उनसे मैंने कहा है कि जो मैंने वहाँ देखा मैं आपको बताऊँ। राहुल गांधी को अपने बीच में देखकर हरियाणा के लोगों में खुशी की लहर देखी जा सकती है। कोई उनको भगवान बता रहा है तो कोई कुछ और। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझसे मिलने तो गांव का सरपंच भी नहीं आता है। सर हमें यहाँ तो गांव का सरपंच भी कोई पूछने जाता है, और आप तो कहाँ से कहाँ मिलने के लिए आया जी? कोई एमएलए महाराज हमारे पास कभी आया जी? कोई दुख में सुख में कोई और नहीं आया। अपने दौरे में राहुल गांधी ने निजीकरण का मुद्दा उठाकर लोगों के दुखती नब्ज पर हाथ डाल दिया है। सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। हाँ जी सब प्राइवेट। अस्पताल प्राइवेट हो रहा है। हाँ जी। कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो रही है। हाँ। जॉब प्राइवेट हो रही है। सब ऐसे बोलते हैं जी, अगर ये कार्ड बनवाते हैं अभी फ्री में इलाज होगा, किसी किसी का जो किसी का नहीं होता, पूछते भी कौन जी। 10 साल लाइन में लगा रखे जी, हरियाणा सरकार ने 10 साल लाइन लगा रखी है जी। 2014 से पहले हरियाणा में क्या था? लोगों ने जो कहा यह बीजेपी के पेशानी पर लकीर खींचने वाला है। हरियाणा में सर 2014 से पहले खुशहाली थी, सारा कुछ ठीक। ये सब हरियाणा से क्यों जा रहे हैं? हरियाणा में रोजगार तो नहीं है। 14 के बाद तो खत्म हो गया जी, 2014 के बाद खत्म हो गया रोजगार, सब प्राइवेट कर दिया। अब आपकी सरकार आओगी जी, आपकी सरकार में रोजगार कुछ होगा जी? बस इससे सरकार में लगे लगाया बैठे जी। मैं जी 2012 में लगा था जी आपके राज में। आप कुछ कह रही थी? आपकी सरकार आया कैसा करो, जो गए आगे किसी और को निकाला। ये जो गए ये तो मजबूरी है सर। कि आपका हमारा खून का रिश्ता है।